Assalamu alaikum. This is Hilal Farooq and this video is coming to you from Soft Stacks Technologies. Okay, जो आज का टॉपिक है आपके लिए वो रहेगा फॉर ईच लूप. जैसे मैंने बोला था पहले डिफिनेशन में, इट इज़ अ टाइप ऑफ लूप दैट इज यूज्ड टू रन अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वन टाइम्स और मेनी टाइम्स एज वी वांट. ओके, it's a different loop than basic loops in the way that it is working with the arrays. okay, तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से वेरिएबल आता है, एरे के वैल्यूज आते हैं, वो वेरिएबल में जाते हैं, उसके बाद यही फॉल्स उसको मिला यानी कि नल होगी एरे, तो ये फॉल्स हो जाता है. तो इस वाले जो यहाँ पे हमने बोला था सारा, तो आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल. मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करूँगा. ओके, आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम फॉर यू. आई विल नेम इट एज फॉर ईच. ओके ओके, I started this. I will erase all of this stuff from here on. Okay, I'll start from here. See what I will write. It's using system, I am calling namespace system because it's a collection of console class, console and all that classes, and I used the keyword using. Okay, now I will create namespace. Okay, उसके बाद मैं इसका नाम दूंगा. आई विल राइट डाउन इट्स नेम दैट इज नेम स्पेस इज फॉर ईच. ओके, दिस इज इट्स नेम. उसके बाद मैं एक चीज़ करूंगा यहाँ पे, आई विल राइट डाउन क्लास फॉर नॉट दिस फॉर ईच. ओके, क्लास नेम इज फॉर ईच. नाउ व्हाट आई विल डू दिस थिंग. See what I will do. For each I will define an array. Okay, define an array string data type. In C# we have, you know, different stacks, total different stacks than other languages. Okay, in C# we have syntax of this type, string, and after that you had start square brackets. ठीक है, and after that you have to name your array. okay, for example we will name it as arr. okay, उसके बाद आपने करना है यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलना है आपने स्ट्रिंग कितने बाइट्स की आपको लेनी है, साइज आपने देना है ऐसे करके. चलो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ फिलहाल. चलो ये ठीक है, पहले मैं सिंटैक्स आपको बता दूँ, वो आपको मैं समझा देता हूँ. उसके बाद मैं दूसरे तरीके से इसको आज इनिशियलाइज़ करने वाला हूँ. मैंने स्ट्रिंग एक बनाई, एक एरे बनाई स्ट्रिंग टाइप की. ठीक है, उसके बाद कितना साइज़ लेना है न्यू बनाएगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है. जैसे हम बोलते हैं जब हम बनाते हैं किसी क्लास का, व्हेन वी डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास वी define new keyword for that to allocate the space in our memory. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा मेरी इस string data type की एक memory allocate कर दो, यानी कि इतने bytes की memory allocate कर दो. वो अलग सवाल है string कितने bytes ले लेता है, फिलहाल वो पेंडिंग रखिए आप. फिलहाल मैं बोलूँगा इसको मुझे 10 लोकेशन सेट करके दो. ठीक है, मगर किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की. ये है स्ट्रिंग, जैसे हम सी में करते थे ऐसे करके एंट. फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलाना था एंट arr, फिर आप यहाँ पे साइज़ देते थे, फॉर एग्जांपल 20. चलो मैं 10 ही ले लेता हूँ अभी के लिए. ठीक है, ऐसे करके आप डिफाइन कर, मगर यहाँ पे यही है मगर कुछ डिफरेंट सिंटैक्स है. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इसको मेमोरी मिल जाती है यहाँ पर, क्योंकि C# ज़्यादा ही मेमोरी आप एलोकेट कर देता है यहाँ पर. ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है बन गया एक एरे हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो इसको मेमोरी देने के लिए इतनी लोकेशंस एलोकेट करने के लिए हम न्यू का यूज़ करते हैं. तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स किस एरे डिक्लेरेशन करने का. उसके बाद मुझे यहाँ पे गिव मी अ सेकंड प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो ये हो गया अरे डिक्लेरेशन इन व्हाट, इन सी शार्प। ओके थैंक यू। तो मैं इसको ऐसे नहीं डिक्लेयर करूँगा जैसे आप इसमें करते थे सी में, कि हम ब्लैंक छोड़ते थे इसको कि ये खुद का साइज़ खुद ले जब हम इसको इनिशलाइज करते थे। देखिए जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने बनाया स्ट्रिंग नाम का एक एरे बनाया, उसके बाद मैं इसको साइज़ दूंगा, ये एज़ पर दिस स्ट्रिंग के साइज़ देगा कितना लेना है इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगा यहाँ पे आई एम लर्निंग सी, ये करेंगे ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रिंग नाम की एरे बनाई ठीक है, स्ट्रिंग एरे नाम ARR नाम का एक एरे बनाया, वो बनाया ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये लेगा साइज अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, जितने भी हमारे यहाँ पे ये डेटा होगा उसके हिसाब से ये साइज़ अब देगा इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक ना रखता, इसको इनिशलाइज ना करता, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता यहाँ पे ऐसे करके 4, तो ये खुद ही इसको साइज़ दे देता, इतनी लोकेशन सेट कर लेता। मगर मैंने यहाँ पे साइज़ नहीं देना, मुझे यहाँ पे इसके हिसाब से जितना मैं डेटा इसको दूंगा ये उसी के हिसाब से इसको साइज़ देगा। यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा ठीक है। ओके आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड। तो मैंने क्या बोला था कि हमारा फॉर ईच जो है वो करता है काम एरेज के साथ। मैंने एरे डिक्लेरेशन कर दी ठीक है, ये सिंटैक्स यहाँ पे गलत है, तो फ़िलहाल मैंने बोला था ये वाला। तो यहाँ पे एरे नेम जो है, एरे का जो नेम है यहाँ पे हम बनाएंगे, उसके बाद जो इसमें वैल्यूज़ हैं वो किस में जाएंगे, इस वाले वेरिएबल। मैंने बोला था ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है यहाँ पे, तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। ये जो फॉल्स है ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, इसी के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए जी मैं करूँगा यहाँ पे फॉर ईच स्टार्ट, ये होता है कीवर्ड फॉर ईच, उसके बाद इसका ये पैरेंथेसिस दो। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल का जिसमें हमें वैल्यूज़ डालें, मगर वो हमें बनाना पड़ता है इस टाइप का जिस टाइप की हमारी एरे है ठीक है। तो मैं करूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल, क्योंकि हमारी एरे स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग मैं बनाऊँगा ARRAY ठीक है, एरे। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे इन कीवर्ड यूज़ होता है, इन बोलेगा इसको जो इसके इन वैल्यू है, जो एरे की इन वैल्यू है, जो इस एरे में वैल्यू है। यहाँ पे खाली हमें नेम देना पड़ता है, मैंने बोला था ऐसे करके एरे नेम खाली हमें देना पड़ता, ना स्क्वायर ब्रैकेट्स ना कुछ ठीक है, खाली एरे नेम। मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखिए जी पूरी दफ़ा मैं बोलूँगा कोई मसला नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फॉर ईच देखिए जी मैंने क्या किया, फॉर ईच वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम दैट इज़ पब्लिक, मैं भूल जाता हूँ पब्लिक वाइड फंक्शन क्या रखें नाम, फॉर अंडरस्कोर ईच रखते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं नाम। बस ऐसा करना चाहिए कि नेम हमें रखना चाहिए एज़ पर जो हम वर्क कर रहे हैं उसी के हिसाब से, यानी कि जो डिजिग्नेट करता हो उस चीज़ को ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा एक और चीज़ फॉर ईच। ओके देखिए जी मैंने कर दिया फॉर ईच स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसी के हिसाब से जिस टाइप का एरे होगा उसी के हिसाब से मुझे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। देखिए अगर मैं इसको हटाऊँगा तो ये इतना क्या है, इतना पोर्शन क्या है हमारे पास, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, जस्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक है। तो उसके बाद ये रहा इन कीवर्ड, उसके बाद ये रहा एरे नेम जिस एरे में वैल्यूज़ हमारे हैं, इस वक्त वैल्यूज़ किस में है ARR में। ये ऐसे चलेगा, जब फॉर स्टार्ट होगा ये करेगा वेरिएबल डिक्लेयर, उसके बाद देखिएगा इसमें कौन सा पहला वैल्यू है डालेगा इसमें, यानी कि आई करेगा इंसर्ट एरे में, उसके बाद जाएगा इन, यहाँ पे उसको यहाँ पे ट्रू मिल जाता है ठीक है, इसको यहाँ पे ट्रू मिल जाता है। तो ट्रू पे क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट राइट लाइन ही कर देते हैं फ़िलहाल ठीक है। हम इसको बाद में एक ही लाइन में प्रिंट कर देंगे। फिलहाल हम कंट्रोल ये ही कर देते हैं। उसके बाद मैं करूँगा एक चीज़, अगर एरे के वैल्यूज़ को आपको प्रिंट करना है तो आप ये करोगे, एक चीज़ यहाँ पे ये लगाओगे, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे राइट लाइन में जोड़ दिया, आप ये लगाओगे प्लेस होल्डर, ठीक है, क्योंकि प्लेस होल्डर करता है काम किन के साथ, वेरिएबल्स के साथ। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एरे, ठीक है। आई डोंट वांट नो, ओके, ये दूसरा इंटरप्शन था, सॉरी फॉर दैट, ये आपके लिए नहीं है। दिस इज़ एरे, ये हमें प्रिंट करना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ये वाला, प्लेस होल्डर लगा दिया, उसके बाद वेरिएबल प्रिंट कर दिया। ये वैल्यू किस में इस वक्त, इसमें पहली लोकेशन, जब यहाँ आएगा इसको डिक्लेयर करेगा, उसके बाद इन, उसके बाद पहले देखेगा इसमें वैल्यू कौन सा, यानी कि आई पहला है वैल्यू है, तो वो इंसर्ट कर देगा किस में, वो कर देगा यानी इंसर्ट। उसके बाद हम कर रहे हैं इस वाले को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वेरिएबल का पहला वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे एक चीज़, ये प्रिंट कर दिया मैंने, इनिशियलाइज ऐसे कर दिया इसको, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे है, ठीक है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। ओके, मैं लिखूँगा यहाँ पे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, ओके, इनिशियलाइजेशन। तो मैं करूँगा एक चीज़ यहाँ पे, कंसोल राइट लाइन, दिस इज़ एरे, ओके, मैंने ये बनाया, ठीक है, सारा मैंने बनाया, यहाँ पे वैल्यूज़ भी इसमें डाल दिए, इसमें कर दिया, ये कर दिया, ओके। नाउ आई विल से वन थिंग, पहले देखिए वैल्यूज़ इनसे कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा फॉर ईच, पहले तो ये करेगा एक चीज़ स्ट्रिंग एरे बना देगा, उसके बाद इसमें करेगा इसको इनिशियलाइज विद आई एम लर्निंग, पहले लोकेशन पे आई, दूसरी लोकेशन पे एम, उसके बाद दूसरी लोकेशन पे लर्निंग, उसके बाद सी एच, अपने हिसाब से इसको लोकेशंस देगा, साइज़ भी अपने हिसाब से जितना हमारा डेटा होगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे वेरिएबल बनाएगा, उसके बाद इसमें देखेगा ए आर एन में क्या है, तो वो वाला वैल्यू किस में कर देगा इंसर्ट, इसमें ए आर आर ए वाई में, एरे में। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, फिर से जाएगा ए आर आर में है कुछ, हाँ है जी, एम है, तो करेगा इंसर्ट किस में, एरे में। फिर से आएगा यहाँ पे, तो साइकिल बन रहा है, ठीक है, इसमें देखेगा वैल्यू है कुछ, लर्निंग है अभी, तो कर देगा इसमें डालेगा इंसर्ट कर देगा, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से जाएगा यहाँ पे ए आर आर पे कुछ है, हाँ सी हैश भी है, C# है, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद एरे में करेगा इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ ब्लैक एंड नल है, उसके बाद नल इसे इंसर्ट कर देगा, तो ये हो जाता है फॉल्स, ठीक है, ये हो जाता है फॉल्स। तो फॉल्स के बाद हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे बोला था, फॉर ईच के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड। ओके, देखिए मैं लिखूँगा कंसोल लाइन, यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस, क्या लिखूँ मैं, दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओके, दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जोड़ दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, राइट लाइन में क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट, वही पुराने वाले स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अगर फॉल्स होगा तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे आपके लिए क्लास प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ, मेन प्रोग्राम, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट मार दिया, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन कॉल करूँगा, क्योंकि ऊपर वाले क्लास का कोई मीनिंग नहीं, यानी कि फॉर ईच क्लास का कोई मीनिंग नहीं है, फॉर ईच क्लास का कोई मीनिंग नहीं है तब तक जब तक इसको हम मेन में ना बुलाएं, क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, इस वाले पोर्शन का एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा, जब हम इसको मेन में बुलाएंगे। तो पब्लिक, इसका सिंटैक्स है ऐसे, स्टैटिक वाइड मेन, ओके डन, ओके डन। अब इसको हम बुलाते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं फॉर ईच, ओके, ये है ये वाला फॉर ईच, इसको ओबीजे कॉल करते हैं, ओबीजे न्यू फॉर ईच, ओके, ये मैंने कर दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद ओबीजे डॉट कनेक्ट कर देगा हमें, ओबीजे कोड ऑन, ये स्मॉल है, ये वाला कैपिटल है, सॉरी फॉर दैट। ये हम यहाँ पे ओबीजे डॉट करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला फॉर ईच मेथड है क्योंकि ये पब्लिक है। अब हमें ये एक्सेस होगा, ठीक है। एंटर मार दिया तो यहाँ पे कर दिया इसको टर्मिनेटर, उसके बाद कंसोल डॉट क्या कर देंगे, कंसोल डॉट रीड की रखते हैं, ठीक है। रीड में से कोई भी फंक्शन हम रख सकते हैं ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड हो जाए, ठीक है। एक चीज़ करते हैं अब, देखिए जी, अब हम इसको रन करते हैं। देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आई, यहाँ पे देखिए जी क्या होगा, पहले इनिशियलाइज कर देगा इसको, इसके साथ एरे बनाएगा, उसके बाद इनिशियलाइज करेगा इन वैल्यूज़ के साथ, इस इतनी टाइप इतनी लोकेशन हमारी सेट कर देगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद जो वैल्यू पहला है इसमें करेगा इंसर्ट ओके एरे, उसके बाद प्रिंट कर देगा, क्या किया यहाँ पे प्रिंट एरे, ठीक है। उसके बाद वापस जाएगा यहाँ पे, किया आई प्रिंट, उसके बाद वापस जाता है यहाँ पे। उसके बाद उन्हें दूसरा है, दूसरी लोकेशन पे कौन सा है एम, यानी कि 1 पे कौन सा है, ये था 0 पे, दूसरा है 1 पे, तीसरा है 2 पे, 3 पे, ठीक है। अब ढूंढेगा ARR ऑफ 2 पे कौन सा है, ARR ऑफ 1 पे कौन सा है, ये था 0 इंडेक्स पे, ये था 1 इंडेक्स पे, ARR ऑफ 1 पे कौन सा है, तो वो करेगा इसमें इंसर्ट। उसके बाद इसको प्रिंट किया प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे आता है फिर से डोट लर्निंग है अभी, यानी कि सेकंड लोकेशन इंडेक्स पे ये है, उसके बाद ये करेगा इंसर्ट, उसके बाद ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद इस इंडेक्स पे, उसके बाद लास्ट इसको फॉल्स मिल जाता है तो C# ये प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फॉल्स होके यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रन हो गया, अनदर स्टेटमेंट रन हो गया, उसके बाद मेन में वापस आ रहा है, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल होके यहाँ पे आ जाता है, अभी रीड की का वेट कर रहा है जी, हम रीड की दे खत्म हो गया, ठीक है। ये क्लोज हो गया प्रोग्राम ही। Give me a second please for a moment, thank you। देखिए जी, अगर हम एक चीज़ करें यहाँ पे, हम एक चीज़ अगर करें, अगर हमें इसको फॉल्स करना है पहले मोमेंट पे, यानी कि यहाँ पे हमें फॉल्स करना है पहले ही अगर हम इसको फॉल्स करें, फॉल्स तो मैंने लिखा है, फिर से लिखूँगा फॉल्स, अगर हम पहले मोमेंट इस पर करें, यहाँ पे लाएँ इसको, तो क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ जी, देखिए जी, जैसे कि हम फॉर पे इसको पहले ही, या डू वाइल पे या वाइल पे हम पहले ही कंडीशन पे फॉल्स करते थे, यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको पहले ही नल मिलेगा तो उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं इंसर्ट होगा, तो ये वाला इसको ट्रू नहीं कर देगा, पहले ही फॉल्स कर देगा। देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो ये वाले स्टेटमेंट्स हमारे भी रन होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नल रन हो रहा है, तो फॉल्स रिटर्न हो रहा है इसको एट द एंड, तो ये वाला स्टेटमेंट चलना नहीं चाहिए, ओके, ये वाला नहीं चलना चाहिए, ओके। देखते हैं, ये वाले स्टेटमेंट्स रन होने चाहिए, ठीक है, फॉल्स पहले ही मिला तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, हाँ, दैट्स इट। दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट चला हमारा, दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसको साइज़ भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोकेशन भी कोई नहीं नल बन रहा है सारा, ठीक है। तो ये क्या बना हमें, अभी डिक्लेरेशन होगी, इनिशियलाइजेशन कुछ भी नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, नल है सारा, ब्लैंक है। तो इसके बाद दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट रन हो रहा है, उसके बाद दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट रन हो रहा है, तो इसको फॉल्स हमने पहले ही कर दिया, ओके। दिस वॉज अबाउट फॉर ईच, कैसे एरे के साथ काम करता है, सो इट डिफर्स देन अदर लूप्स, ओके। तो इसको मैंने यहाँ पे फॉल्स नहीं करना है अभी, इसको मैंने ट्रू रखना है यहाँ पे। तो ये था आपका फॉर ईच लूप, तो इसको मैंने एरे के साथ यूज़ किया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ नहीं किया। ओ होल्ड ऑन, अगर मैं आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा दिखाऊं, क्योंकि मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। मैं देखूँ यहाँ पे, अच्छा मैंने ये भी बोला था आपको कि मैं आपको एक ही लाइन में इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, सॉरी ऑल्सो फॉर दैट। और मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, डन। this is soft stacks. ओके, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। देखिए जी, इसको रन कर देता हूँ। नहीं जी, कहीं पे, अच्छा यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं लगा दिया जी। तो ओके डन, यहाँ पे है हमारा टर्मिनेटर के डन। सी मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए दिस इज, व्हाट इज दिस, आई, दिस इज ओके, आई ओ, where is that right line, ये पहले आई ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। चलो पहले मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा आपको। देखिए जी, एक ही लाइन में को मैं पहले दिखाऊँ। कम ऑन हिट आउट। ओके देखिए जी, यहाँ पे एक कोई चीज़ करता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू। देखिए जी, आई एम लर्निंग सी शार्प। ओके, ये एक ही साथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो ये सारा अलग अलग आएगा। थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस दूं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए प्रिंट आउट अपना आउटपुट देख लीजिए अपना। देखिए, आई एम लर्निंग सी शार्प तो हो रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। दिस इज़ नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद वाले, ठीक है। तो एक ही लाइन में प्रिंट आ रहा है हमारा, क्योंकि मैंने राइट यूज़ किया। पिछली दफ़ा मैंने राइट लाइन यूज़ किया था। तो देखिए जी, मैं आपके लिए एक चीज़ करूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको रन करके दिखाता हूँ। राइट लाइन ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स। ओके, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसको रन करके देखते हैं। दिस इज़ फॉर मल्टीपल टाइम्स इन फॉर ईच। ओके, देखिए जी, कितनी दफ़ा चलेगा ये, जितनी दफ़ा इसमें वैल्यू होगा। यहाँ पे 0 1 2 3 टाइम ये चलेगा, 0 1 2 3, यानी कि ये चलेगा 4 टाइम्स। 1 टाइम ये हो गया, 2 मिला के 1 2 3 4 टाइम्स ये चला। दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स, आई एम लर्निंग सी शार्प, दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स, आई एम लर्निंग सी शार्प, दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स, दिस इज सॉफ्ट स्टैक्स, आई एम लर्निंग सी शार्प। तो ये चला आपका कितनी दफ़ा चला ये चला आपका 4 दफ़ा, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज़ हमारी इंडेक्सिंग कितनी दफ़ा हो रही है, 0 1 2 3, तो 0 को मिला के हमें 4 टाइम्स ये चल रहा है। ये था मल्टीपल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो ये था आपका फॉर ईच, जो मैंने बोला था कि ये एरे के साथ काम करता है देन अदर लूप्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट लूप्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।